नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भगवान श्री गणेश को एक बार देवताओं की सहायता करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। यह खामियाजा लंकापति रावण के भाई विभीषण के चलते भुगतना पड़ा। मंदिर में आज भी भगवान गणेश जी के सिर पर चोट लगी प्रतिमा स्थापित है। आइए आज आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर राग फोर्ट पहाड़ी की चोटी पर ऊंची पिल्लयार मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर धरती से लगभग 273 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए करीब 400 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार तिरुचिरापल्ली पहले थिरिसिरपुरम के नाम से जाना जाता था। थिरिसिरन नाम के राक्षस ने इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी, इसी कारण इस स्थान का नाम थिरिसिरपुरम रखा गया। यह भी माना जाता है कि इस पर्वत की तीन चोटियों पर तीन देव विराजमान हैं। पहली चोटी पर भगवान शिव, दूसरी पर माता पार्वती और तीसरी चोटी पर श्री गणेश विराजमान हैं। पहले इसे थिरिसिकरपुरम कहा जाता था, बाद में थिरिसिकरपुरम को बदलकर थिरिसिरपुरम कर दिया गया। आखिर क्यों भगवान श्री गणेश पर विभीषण ने किया वार? कहा जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने अपने भक्त और रावण के छोटे भाई विभीषण को भगवान विष्णु जी के एक रूप रंगनाथ की मूर्ति भेंट की। विभीषण उस पावन मूर्ति को लेकर लंका जाने वाला था। विभीषण के राक्षस कुल से संबंधित होने के कारण सभी देवता नहीं चाहते थे कि मूर्ति विभीषण अपने साथ लंका ले जाए। तब सभी देवताओं ने भगवान श्री गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। इस मूर्ति को लेकर यह मान्यता थी कि उसे जिस जगह पर भी रख दिया जाएगा वह हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो जाएगी। विभीषण प्रतिमा लेकर त्रिची पहुंच गया तो वहां पर कावेरी नदी को देखकर उसके मन में स्नान करने की इच्छा बलवती हुई। मूर्ति संभालने के लिए वह किसी को खोजने लगा। तभी उस समय भगवान श्री गणेश एक बालक के रूप में प्रकट हुए। तो विभीषण ने बालक को भगवान रंगनाथ की मूर्ति पकड़ाकर उसे जमीन पर ना रखने की प्रार्थना की। विभीषण के स्नान करके आने के बाद श्री गणेश ने रंगनाथ की उस मूर्ति को जमीन पर रख दिया। जब विभीषण स्नान कर वापस आया तो उसने मूर्ति जमीन पर रखी पाई। उसने मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह उसे ना उठा पाया। ऐसा होने पर उसे बहुत क्रोध आया, वह बालक की खोज करने लगा। बालक रूप में भगवान गणेश भागते देखकर वह उनका पीछा करने लगा। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर आगे रास्ता ना होने पर श्री गणेश रुक गए। विभीषण ने उस बालक को देखकर क्रोध में उसके सिर पर वार कर दिया। ऐसा होने पर भगवान गणेश ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। भगवान गणेश के वास्तविक रूप को देखकर विभीषण ने उनसे क्षमा मांगी। उस समय से भगवान श्री गणेश पर्वत की चोटी पर ऊंची पिल्लयार के रूप में विराजमान है। आज भी भगवान गणेश के सर पर है चोट का निशान। कहा जाता है कि विभीषण ने भगवान गणेश के सर पर जो वार किया था उस चोट का निशान आज भी इस मंदिर में मौजूद भगवान गणेश की प्रतिमा के सर पर देखा जा सकता है। मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव ऊंची पिल्लयार मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिदिन 6 आरतियां की जाती हैं। यहाँ पर आदिपुरम और पंगुनी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सो दोस्तों, यह थी ऊंची पिल्लयार मंदिर से जुड़ी जानकारी, जहां स्थापित मूर्ति पर आज भी भगवान गणेश के सिर पर चोट का निशान है। ऐसी ही जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।